दोस्तों मैं भी कास्टोली यूट्यूब पे लेके आऊँ एक टेनिस के रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस पर वीडियो। और दोस्तों जो इस बार वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ निक के रिगार्डिंग मैच था, वो काफ़ी शानदार मैच हुआ और था। उनके साथ लोकल बॉय का मैच था, वाशिंगटन डीसी ओपन में मैच हो रहा था और मैच था निक किरियोस वर्सेस फ्रैंक एस्टिफॉय। काफ़ी शानदार मैच हुआ, जैसे हमें एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ। बीच में एक बार डिले ज़रूर हुआ था, उसके बाद जब मैच हुआ शानदार एकदम मैच हुआ है, देखने का बढ़िया मज़ा आया। और जब भी निक किरियोस होते हैं बोलते हैं कि बॉक्स ऑफिस है, और वो वैसा ही प्रदर्शन दिखाया भी बॉक्स ऑफिस वाला। दोस्तों निक किरियोस काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अभी विंबलडन में वो फिनाले तक पहुँचे थे, उससे पहले भी काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट रहा है। अभी हाल ही में रिसेंटली उन्होंने डबल्स में अटलांटा ओपन भी जीते, तो डबल्स में भी दो बार कप जीत चुके वो। एक बार अभी वो जीते थे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम वाला भी, और एक बार अटलांटा भी ओपन भी जीत चुके हैं। काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं किरियोस, अगर ऐसा ही प्रदर्शन करते रहे तो वो वाशिंगटन डीसी ओपन का टाइटल भी ले सकते हैं। वाशिंगटन ओपन वो ऑलरेडी जीते भी हैं 2019 में, 2020 में हुआ नहीं था, तो इस बार वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा ही प्रदर्शन करते रहे तो वो सीधे फाइनाले तक भी जा सकते हैं, फिनाले की ट्रॉफी में उठा भी सकते हैं फिनाले को। दोस्तों वीडियो में बनने से पहले एक बार फिर से यही बता देना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर जाके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो ताकि सारी की सारी दोस्तों आपको अपडेट्स मिल सके। अब बढ़ते हैं वीडियो के पोस्ट मैच एनालिसिस के फर्स्ट सेट की ओर। दोस्तों पहले सेट की ओर बढ़े तो पहले सेट में शानदार प्रदर्शन रहा दोनों खिलाड़ियों का, किरियोस का भी और दूसरी ओर देखा जाए टिफॉय का भी शानदार प्रदर्शन रहा। 1-1 सर्विस गेम, 2-2 सर्विस गेम, 3-3 सर्विस गेम, 4-4 सर्विस गेम, 5-5 सर्विस गेम, 6-6 सर्विस गेम। किसी भी सर्विस गेम में कोई भी अपोजिट प्लेयर किसी की सर्विस गेम ब्रेक नहीं कर पाया। काफी बार ब्रेक पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी आई बट ब्रेक पॉइंट्स हमेशा सेव किए। किरियोस के पास तो बहुत अच्छा चांस था, उनके पास 40 लव हुआ था बट वो ब्रेक पॉइंट से कन्वर्ट नहीं कर पाए। 6-6 जब बराबर हुआ उसके बाद टिफॉय ने थोड़ा शानदार प्रदर्शन किया, मिनी ब्रेक हासिल किया और जो टाई ब्रेकर है वो 7-5 से जीतो, और जो पहला सेट है वो 7-6 टाई ब्रेकर का स्कोर है 7-5। अगर सेकंड सेट की ओर बढ़े तो सेकंड सेट में शानदार प्रदर्शन है दोनों खिलाड़ियों का फिर से। इस बार भी 1-1 से लेकर 6-6 तक लाइन रिपीट करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार भी टाई ब्रेकर तक गया और कोई भी सर्विस गेम किसी की ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे ही 6-6 हुआ उसके बाद टाई ब्रेकर तो और ज़्यादा लाजवाब हुआ। ये वाला जो सेट है ये चला 1 ओवर 8 घंटा 8 मिनट चला लगभग ये सेट, शानदार प्रदर्शन हुआ। टाई ब्रेकर में तो काफ़ी बार मैच पलटा भी, फ्रैंक एस्टिफॉय के पास 5 बार मैच पॉइंट्स आए। 5 बार मैच पॉइंट्स का मतलब हो गया कि वो अगर मैच पॉइंट जीत जाते तो वो सीधे मैच जीत जाते, और 5 बार मैच पॉइंट निक किरियोस ने सेव किए। मैच पॉइंट सेव करते रहे और इन द एंड टाई ब्रेकर में 14-12 से वो जीत भी गए टाई ब्रेकर। शानदार प्रदर्शन किया, मैच पॉइंट डाउन होने के बावजूद भी अपने मैच पॉइंट सेव करते रहे और सेकंड सेट जीता और नेक्स्ट सेट में प्रवेश किया। जैसे थर्ड सेट आया तो थर्ड सेट में तो किरियोस और ज़्यादा बेहतरीन खेलने लग पड़े। पहली बार मैच में सर्विस गेम ब्रेक हुई और वो किरियोस ने सर्विस गेम ब्रेक की फ्रैंक एस्टिफॉय की, उसके बाद अपनी सर्विस गेम पे होल्ड करते रहे, ऐसे ही करते रहे और एक बार सर्विस गेम और ब्रेक की 5-2 पे और अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 6-2 से थर्ड सेट जीता। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। अब उनका जो मैच है नेक्स्ट मैच सेमीफाइनल का जो मैच है वो होगा माइकल येमर के साथ, वो भी उनके साथ पहला ही मैच होगा। टिफॉय के साथ भी इनका पहला ही मैच था, उन्होंने बोला भी था कि काफ़ी अच्छे इनके लिए फ्रेंड भी हैं और पिछले 5 साल से वो चाह रहे थे कि मैच हो और पहली बार ATP का मैच मिल गया इन दोनों के बीच में देखने को। पहला मैच तो और 100% रिकॉर्ड हो गया फ्रेंक टिफॉय के खिलाफ निक किरियोस था। अगर स्टैट्स पे नज़र डाले तो इस बार भी शानदार स्टैट्स हैं निक किरियोस के एसीज में, 35 एसीज लिए हैं। वो जैसे एसीज ले रहे हैं तो एसीज के रिकॉर्ड में वो फिर से आगे जा सकते हैं, जैसे जॉन इसने आगे लिए हुए नंबर 1 पे तो उनके काफ़ी क्लोज तक जा सकते हैं। 35 एसीज लिए और दूसरी ओर एसीज उनके आधे लिए गए हैं लगभग, तो काफ़ी ज़्यादा एसीज लेते हैं निक किरियोस। और डबल फॉल्ट भी इस बार निक किरियोस ने ज़्यादा किए हैं, 9 डबल फॉल्ट किए हैं, दूसरी ओर डबल फॉल्ट फ्रैंक टिफॉय ने काम किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ब्रेक पॉइंट्स, 5 out of 7 5 बार ब्रेक पॉइंट सेव किया टिफॉय ने पर 2 बार सेव नहीं कर पाया, और जो 2 बार सेव नहीं कर पाए वो थर्ड सेट में था। दूसरी ओर निक किरियोस
तीन बार ब्रेक पॉइंट आया, तीनों बार सेव किए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मैच के नज़रिए को देखते हुए। और तीनों बार सेव किया फ्रेंटेसी फोर के खिलाफ, ब्रेक पॉइंट को शानदार प्रदर्शन किया, मैच पॉइंट भी सेव किया। अब वो पहुंच गए नेक्स्ट राउंड में, नेक्स्ट राउंड में चाहेंगे कि ऐसा ही बढ़िया प्रदर्शन करके एक बार फिनाले में हो जाए। आपको क्या लगता है कि माइकल गेमर के साथ कैसे खेलेंगे? मेरे हिसाब से निक क्रियोस 2 सेट्स में ही जीत जाएंगे, बट अगर माइकल गेमर अच्छा खेलते हैं उस दिन तो माइकल गेमर भी आगे जा सकते हैं। अगर माई प्रेडिक्शन बोले जाए तो निक क्रियोस इन 2 स्टेट सेट्स। अब अपने प्रेडिक्शन दे और वीडियो चली, वीडियो को लाइक करो या कमेंट करो और ढेर सारा प्यार देते रहो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।